गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। अच्छा, आज अपन जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? एक मिनट, क्या हो रहा है? अच्छा, कनेक्ट नहीं है। हाँ, तो अपन आज जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगली बार जब करंट अफेयर्स का सेशन होगा तो हम अगस्त का स्टार्ट कर देंगे। कई लोग बेचैन हो रहे थे अगस्त के करंट अफेयर्स के लिए, तो इसके बाद अगस्त का स्टार्ट करेंगे। इस बीच आप लोगों को जीके का भी टॉपिक हम कुछ कुछ डिस्कस करते रहेंगे, जो जनरली काम आता रहता है, ठीक है? जैसे पिछली क्लास में अपन ने माउंटेन पासेस पढ़ा था, ठीक है, माउंटेन पासेस पढ़ा था, तो उसको कंटिन्यू करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है? जितना भी मैं पढ़ाया वो सारा पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे है, जितना भी पढ़ाया लोग सब आपका टेलीग्राम पे है। हाँ जी, माउंटेन पासेस करेंगे आज, करंट अफेयर्स कर लीजिए। रोज रोज माउंटेन पासेस करेंगे तो फिर पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे सपने में, रोज पता चला किसी दिन बनिहाल पहाड़ घूम रहे हैं, किसी दिन खातुंगला घूम रहे हैं, ठीक है? तो उसको भी करेंगे, अल्टरनेट हमने पहले भी कहा था, अल्टरनेट करते रहेंगे, एक दिन करंट अफेयर्स हो गया, एक दिन जीके का कोई पोर्शन उठा लिया, इस तरह से करते रहेंगे। अभी अपन माउंटेन पासेस पे लग गए, जैसे पहले एशिया वाली कंट्री सारी निपटाई थी अपने, अपन ने अब क्या करेंगे, हम माउंटेन पासेस निपटाएंगे। आई एम फाइन, तो उम्मीद है आप लोग भी सब बढ़िया होंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का वैसे काफी ज्यादा फैक्चुअल है, तो इतना कुछ समझाने को नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इनको टाइप करते रहना, ठीक है? आंसर जैसे मैं बता दूं, आप या तो टाइप कर दीजिए, और आपको टाइप करने में फिजिबल नहीं है तो आप एक कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है? कोशिश करा करिए जब भी बैठे तो एक पेन और एक कॉपी आपके हाथ में, तो जो भी मैं आपसे बोलूं, जैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट मिल गया उसको लिख लिया, या फिर जो कमेंट में मैं लिखने को बोलता हूं, अगर आप कमेंट में कंफर्टेबल नहीं है तो उसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है? मेन चीज है आपके हाथ चलने चाहिए, उससे होता क्या है, अलर्टनेस बढ़ती है,
प्लस साथ ही साथ चीजें ज्यादा टाइम तक रिटेन हो पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट आपको इसमें मिलेंगे जो कवर करने में आपको मान के चलिए हालत खराब हो जाती है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपका रिवीजन रेगुलर होगा। तो रिवीजन रेगुलर होने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये है, विच रेलवे स्टेशन हैज बीन फाइनली रीनेम्ड एज बनारस बाय द नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रखा है? एक रेलवे स्टेशन है यूपी में, उसका नाम बनारस कर दिया है। गुड इवनिंग। आंसर बताइए। अरे भैया दोस्त, थैंक यू। मंदुआ दी। ये मेरे ख्याल से आसान है, फरखाबाद। ना, फरखाबाद नहीं है, करेक्ट आंसर इज मंदुआ दी। ठीक है, मंदुआ दी। एक्चुअली बनारस एक बहुत ही पुराना हिंदुस्तान में नाम चलता आ रहा है। आज जो वाराणसी है, जो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहले इसको बनारस कहते थे, काशी, फिर काशी से हम क्या कहने लगे, बनारस। तो बनारस जो वर्ड है वो आज भी लोगों की जबान से नहीं गया है। कुछ ऐसे पुराने वर्ड्स होते हैं जो नहीं जाते हैं, जैसे मुंबई को बॉम्बे आज भी कई लोग बोलते हैं, बम्बई पहले बोला करते थे, हिंदी में बम्बई बोलते थे, आज भी कई लोग बम्बई बोलते हैं। ठीक है, कोलकाता आज भी कई लोग कलकत्ता बोलते हैं, वैसी वाराणसी है आज भी उसको कई लोग बनारस बोलते हैं। ठीक है, मुझे भी बनारस बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, हालांकि एक्चुअल नाम क्या है, वाराणसी। तो अभी उसी चीज को याद करने के लिए, बनारस के नाम को दोबारा से रिवाइव करने के लिए एक रेलवे स्टेशन था मंदुआती, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, बनारस कर दिया गया। अब अपने काम की जानकारी यहां से निकलेगी। रेलवे जोन्स में से एक रेलवे जोन है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बताइए। अब इसमें कई लोग फिसलेंगे। हाँ बताइए, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। गोरखपुर, कोलकाता। ऑल राइट, तो मैं बताता चलूं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है आपका गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर इज अ सिटी इन यूपी, वो वेस्ट ईस्ट यूपी में मिलेगा। ठीक है, इधर यूपी है तो यूपी से जुड़ा एक स्टेट है जिसको हम बिहार कहते हैं। तो बिल्कुल यूपी बिहार के बॉर्डर में मिलेगा, ईस्ट यूपी में गोरखपुर। गोरखपुर क्या है, आपका हेडक्वार्टर है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। अच्छा, गोरखपुर से रिलेटेड एक बात और याद रखेंगे कि यहां पर इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हमें हमारे रेलवे में कहां मिलता है, इधर गोरखपुर में मिलता है। ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ मिल रहा है, गोरखपुर में मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू ओपन एन एम्बेसी इन इजराइल। फर्स्ट गल्फ नेशन कर लीजिए, ठीक है, फर्स्ट गल्फ नेशन। Which has become the first Gulf nation to open an embassy in Israel? अभी रिसेंटली गल्फ कंट्री ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं और वहां पर अपनी एम्बेसी एस्टैब्लिश की। नाम बताना आपको। हाँ, योगी बाबा का कॉन्स्टिट्यूएंसी था, अभी नहीं है, क्योंकि योगी
योगी आदित्यनाथ पहले वहां से एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट नाउ एज ही इज द सीएम ऑफ यूपी, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ी है। ठीक है, गोरखपुर से आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भोजपुरी एक्टर है, क्या नाम है, रवि किशन। रवि किशन इज नाउ एमपी फ्रॉम गोरखपुर। हाँ, लेकिन ये था योगी आदित्यनाथ का काफी इन्फ्लुएंस है वहां पर, तीन बार से तो एटलीस्ट वो बनी रहे वहां के एमपी। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज यूएई। ठीक है, यूएई। अच्छा, यूएई की कैपिटल बता पाएंगे, यूएई की कैपिटल? यूएई की कैपिटल ना ना बहरेन नहीं है। उम्मीद है जो हम लोगों ने गल्फ नेशंस पढ़े थे, जैसे एक अरेबियन पेनिनसुला इस तरह से पढ़ा था, ये सऊदी अरब था, सऊदी अरब के इधर साइड हमने एक वाटर बॉडी देखी थी पर्शियन गल्फ, इधर क्या देखा था, इधर देखा था रेड सी, दो कंट्रीज से इधर एक यमन था एक उमान था, इधर ही एक जुड़ा हुआ कंट्री था यूएई। ठीक है, फिर इसके आगे एक कंट्री था कतर, फिर इधर एक आइलैंड कंट्री था बहरेन, बहरेन फिर इधर एक ऐसा ट्राइंगल पान शेप्ड कंट्री था कुवैत, और इधर साइड जाएंगे तो ईरान था, और ईरान और सऊदी इनके बीच में एक कंट्री इधर था इराक। उम्मीद है ये सारी चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ये सब हमने मैप्स में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको बताना है यूएई की कैपिटल। दुबई, दुबई, कोई दुबई नहीं बताएगा, अबू धाबी या फिर दुबई, कंफर्म कर लीजिए, कंफर्म है अबू धाबी या दुबई, कैपिटल इज अबू धाबी। ठीक है, बहरेन की पढ़ी थी, बहुत बढ़िया, मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहरेन। ठीक है, कतर की भी पढ़ी थी दोहा, ओमान की पढ़ी थी मस्कट, ये सारी कैपिटल भी हमने पढ़ी थी, उम्मीदें याद होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजाइन लैंग्वेज व्हिच प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड, किस ऋषक बंधु, ऋषि समाचार, किसान सेतु, किसान साथी। बेसिकली हम चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनके पास जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड नॉलेज हो, जो भी लेटेस्ट जानकारी हो, वो पहुंचाई जा सके। अब अलग अलग फार्मर्स अलग अलग रीजन में है, तो वो अपनी अपनी लैंग्वेज में ही बात कर सकते हैं, हर किसान को अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो इसीलिए कोशिश की गई है कि उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाए जब उनको जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि इधर खरीफ की फसल लग रही है तो आप रबी की फसल का डेटा उनको टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, तो जिस फसल की जरूरत है एट द राइट टाइम आप उसी स्पेसिफिक जानकारी को प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी डिजायर्ड लैंग्वेज में। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, तो उसका नाम बताना है। सी ऑप्शन बता रहे हैं वो, करेक्ट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, लोग ने तो करेंसी भी बता दी, दिरहम। किसान सारथी, हेलो सेंगडोंग, करेक्ट आंसर इज दी, किसान सारथी प्लेटफॉर्म का नाम है। देखिए, सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसान सारथी, हिंदी में अवेलेबल है और कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके जरिए फार्मर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी को अवेल कर सकते हैं एग्रीकल्चर पर। ठीक है, कहां से, फ्रॉम द ऋषि विज्ञान केंद्र, और ये किस दिन लॉन्च किया गया, एट द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया में, इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चरल रिसर्च चलती है वो इसी के अंडर में चलती है। ठीक है, इंडिया में जितनी भी एग्रीकल्चरल रिसर्च है तो ICAR के अंडर में चलती है, प्लस जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आपका ICAR के अंडर ही चलती हैं, तो ये याद रखिएगा।
मिनिस्ट्री ऑफ आईटी अश्विनी वैष्णव, उन्होंने साइंटिस्ट को अर्ज किया है ताकि वो फार्मर्स के लिए और बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सके, उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर सके। तो प्लेटफॉर्म का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? किसान सारथी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम कैंपेन। बड़ा तगड़ा नाम है ना। गुड इवनिंग किसान, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम कैंपेन। डी ऑप्शन लग रहा है। हाँ जी, सारे ऑप्शन तुक्के लगाते हुए, कोई ऑप्शन तुक्के में ना छोड़ते हुए, कोई नहीं छोड़ना है सर, सब लगाएंगे वन बाय वन, बाकी ऑप्शन के साथ भेदभाव क्यों है? आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, सारे ऑप्शन लगाएंगे। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब जैसे ही मैं बोलूं मिनिस्ट्री, तुरंत इसके मिनिस्टर याद आ जाने चाहिए, कौन है मंत्री? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये कैंपेन लॉन्च किया गया, कैंपेन का नाम एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है? कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम। ये बेसिकली ये किसके साथ लॉन्च किया गया है? इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड WHO। ठीक है, ये जो स्कीम चल रही है ये किस किस के कोलेबरेशन में चल रही है? एक साइड यूनिसेफ भी है साथ में, और कौन कौन इन्वॉल्व है? WHO इन्वॉल्व है। टारगेट क्या है? COVID-19 वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करना इन ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन में COVID-19 वैक्सीनेशन को इंक्रीज करना और इन्फोडेमिक को बीट करना। इन्फोडेमिक आजकल ये वर्ड बहुत चल रहा है, ठीक है, इन्फोडेमिक ये वर्ड बहुत चल रहा है आजकल, तो हो सकता है कभी PCS वगैरह में या UPSC में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन के आ जाए, इन्फोडेमिक से रिलेटेड, क्या इन्फोडेमिक क्या है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं। इन्फोडेमिक का बेसिकली मतलब है स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में कोई भी जो झूठी जानकारी है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से फैल जाती है। जैसे अभी तालिबान वाला इश्यू हुआ, तो इसमें लोग कई पुरानी पुरानी वीडियोस भी उठा के उसके तालिबान की बना के दिखा रहे हैं, तो इस या जैसे लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में किसी और कंट्री की वीडियो उठा के दिखा रहे हैं और उसको स्प्रेड कर रहे हैं कि देखो इंडिया में लोगों की ऐसे मौतें हो रही है। तो काफी मतलब कुछ सच भी होती है, लेकिन काफी जो बहुत तेजी से फैलने वाली होती है ना, वो ज्यादातर आपकी फॉल्स इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होती है, तो उसी को कहते हैं इंफोडेमिक। आज के टाइम में इंफोडेमिक को रोकना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इससे लोगों में एक तरीके से वायलेंस बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खराब हाल आपका किसने करा है? व्हाट्सएप ने करा है। आपने वर्ड सुना ही होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आजकल कई लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आके ज्ञान देने लगते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम तो जो पर्सन 2+2 नहीं बता पाता था वो भी एडवाइस देता था कि नहीं इकोनॉमी के लिए ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसे ऐसे लोग भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपनी जानकारी देने लगे थे। तो इस इंफोडेमिक से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसको बीट करना। जैसे अभी वैक्सीन आई तो वैक्सीन के बारे में लोगों ने काफी अफवाहें फैला दी कि ये वैक्सीन लगवा दोगे तो उससे मौत हो रही है, उससे इतने लोग मर गए। अरे भाई, आप पैरासिटामोल भी खाते हो ना, तो भी गारंटी नहीं है 100% जिंदा बच जाओ।
100% सक्सेसफुल रेट पैरासीटामोल का भी नहीं है, बट खाते कि नहीं खाते हैं, तो 1-2% चांस तो हर किसी के साथ रहता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन लेना छोड़ देंगे, वैक्सीन जरूरी है। जैसे एक बहुत बड़े डॉक्टर है यूके के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जो सबसे वीक वैक्सीन है ना, जो सबसे वीक वैक्सीन है कोरोना के रिगार्डिंग, वो इस फार बेटर देन द जो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट आप दे सकते हो एक कोविड पेशेंट। ठीक है, एक कोविड पेशेंट को जो वीक वैक्सीन है इस फार बेटर देन जो आप उसको स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो इसीलिए इस इंफोडेमिक जैसी चीजों को रोकना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये स्कीम चलाई है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है अर्जुन मुंडा, थैंक यू केकार। हाँ, मिस्टर अर्जुन मुंडा इज अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हाँ, एक चीज इसमें और ये याद रखिएगा, द कैंपेन विल लेवरेज द 45,000 वन धन विकास केस ऑफ द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फॉर फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कैंपेन किसके साथ काम करेगा? ट्राइफेड के साथ काम करेगा। ठीक है, ट्राइफेड क्या है? एक बॉडी है जो आपका वर्क करती है कि जो ट्राइबल एरियाज के स्किल्स है, उनकी आर्ट है, उनको प्रमोट किया जा सके, मोनेटाइज किया जा सके, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन वहां से इनकम जनरेट कर सके। तो ये ट्राइफेड किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। अब यहां से मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मेरे को यूनिसेफ और WHO इनका हेडक्वार्टर बताइए। हिंट दे देता हूं, दोनों का हेडक्वार्टर सेम कंट्री में है, तो आपको बताना है यूनिसेफ और WHO का हेडक्वार्टर बताइए। हाँ जी, यूनिसेफ और WHO का हेडक्वार्टर बताइए। स्विट्जरलैंड ना भैया। ऑलराइट, लेट मी इरेज दिस, यहां मैं लिख दूंगा। इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, कहां मिलेगा? अमेरिका, यूएसए, यूनिसेफ और WHO का हेडक्वार्टर। चलिए देखिए, जो लोग काफी शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं तो वो लोग समझ रहे होंगे कि मेरे ख्याल से अब ये रटने की जरूरत नहीं पड़ती होगी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स वगैरह। ये तो मैं जैसी न्यूज में आता है खट से उसको रिवाइज करा देता हूँ, और यही आपको करना होता है। करंट अफेयर्स के साथ ही ये सब चीजें पढ़ते चलेंगे तो बहुत फायदा उठाएंगे, रटना कम हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री हेल्ड द 2-डे एक्सरसाइज TTX 2021। मिलिट्री एक्सरसाइज पे हमेशा फोकस देना है, कभी भी न्यूज में देखे कोई एक सिंगल एक्सरसाइज छोड़ के नहीं जानी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलिट्री एक्सरसाइज। चांसेस हमेशा बहुत हाई पोटेंशियल रहता है इन क्वेश्चन के आने का, तो मिलिट्री एक्सरसाइज कोई नहीं छोड़नी है। तो इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री हेल्ड द 2-डे एक्सरसाइज TTX 2021 बताइए। हाँ वही, दिमाग में चिपका लेना बिल्कुल। ज़ोमैक बहुत बढ़िया, उन्होंने तो ईयर भी बता दिया, यूनिसेफ 1946, WHO 1948। जापान भैया कहाँ से आ गया? अच्छा, इसमें TTX 2021। इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री हेल्ड द 2-डे एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हुई कहां पर थी? श्रीलंका, कोलंबो में हुई थी। ठीक है, कोलंबो में हुई थी। कोलंबो कहां पर है? श्रीलंका। यहां पर हुई थी एक्सरसाइज, और कंट्री का नाम है फिलीपींस। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री हेल्ड द 2-डे एक्सरसाइज TTX 2021। आंसर इज फिलीपींस। कैपिटल बताइए, फिलीपींस का कैपिटल।
ना ना मालदीव नहीं है, फिलीपींस है। इंडिया श्रीलंका एंड विच कंट्री हेल्ड द टू डे एक्सरसाइज टीटीएक्स 2021? करेक्ट आंसर इज फिलीपींस। मैं पूछ रहा हूँ फिलीपींस का कैपिटल बताइए। हाँ जी देखिए, फिलीपींस में वनीला आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है, वनीला, तो वनीला से याद रखेंगे मनीला। ठीक है, फिलीपींस में वनीला आइसक्रीम खाने जाइएगा कभी, बहुत बढ़िया मिलती है। और एक मेरे लिए भी पैक करा लाना आपको, तो वनीला से याद रखना मनीला। ठीक है, कैपिटल क्या है फिलीपींस की? मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया? द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया? बहुत बढ़िया है, मनीला करेंसी इज पीसो, बहुत बढ़िया है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, बेसिकली वही इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर एक किताब है, किसने लिखी है? करेक्ट आंसर बताइए। ये बनना चाहिए, ये मालदीव है। हाँ भाई, रमी चेयर। मालदीव है क्या? एक्सरसाइज आपकी श्रीलंका में हुई है। इसको करेक्ट कर लीजिए। इसका आंसर मालदीव होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन होगा, मैं आंसर चेंज कर दूंगा, बी ऑप्शन मालदीव्स। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। हाँ, तो द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, द बुक इज रिटन बाय विजय गोखले। विजय गोखले इज अ वेरी मतलब फाइन पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, कौन रह चुके हैं? फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। देखिए, हर मंत्रालय का, हर मिनिस्ट्री का एक जो सबसे टॉप ऑफिसर होता है वो कौन होता है? सेक्रेटरी होता है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो सबसे टॉप ऑफिसर होता है वो कौन होता है? फॉरेन सेक्रेटरी होता है। और ये जनरली क्या, हमेशा ही लगभग जो फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनता है? आईएफएस ऑफिसर। जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो उसमें जैसे आईएएस होता है, एएस होता है, आईपीएस होता है, उसी तरह एक होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ही ऑफिसर होते हैं वो बनते हैं फॉरेन सेक्रेटरी। तो विजय गोखले साहब हमारे क्या रह चुके हैं? फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। फिर इनके बाद आपका एस जयशंकर बने थे, फिर एस जयशंकर भी रिटायर कर गए, तो अभी दूसरे पर्सन फॉरेन सेक्रेटरी बने। विजय गोखले का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि चाइना से उनका मतलब, चाइना में भी काफी उन्होंने एज एन एम्बेसडर वर्क किया है, चाइना में भी काफी टाइम स्पेंड किया, तो वो चाइना की पॉलिटिक्स को और इंडिया चाइना रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्लस जब आपको याद होगा, इंडिया चाइना और भूटान, इनके बीच एक डोकलाम क्राइसिस हुआ था, ये करीब बहुत पुरानी बात है, बहुत ज्यादा भी नहीं, ये अराउंड ऐसी बात होगी 2017 की, 2017 2018 के बीच, इंडिया चाइना भूटान इनके बीच एक डोकलाम क्राइसिस हुआ था। भूटान के कुछ एरिया में चाइनीज सोल्जर्स एंटर कर गए थे, फिर वहां पे इंडियन आर्मी ऑन द बिहाफ ऑफ भूटान वहां पर नेगोशिएट करने गई थी। तो उस डोकलाम क्राइसिस के टाइम पे आपका जो डॉक्टर एस जयशंकर, आज हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो एम्बेसडर थे चाइना, चाइना में इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर थे। तो इधर एक साइड तो चाइना में एस जयशंकर बैठे थे, फिर इधर इंडिया में विजय गोखले, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था उस डोकलाम क्राइसिस को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट सी ऐसी सिचुएशन थी, अगर थोड़ा भी इधर उधर चीजें होती तो हो सकता था वॉर जैसी सिचुएशन भी बन जाती, काफी टेंस सिचुएशन रहा था डोकलाम क्राइसिस इंडिया चाइना के बीच।
बट यही दो पर्सनालिटी से विजय गोखले और डॉक्टर एस जयशंकर जिन्होंने वहां से हमें बचाया। चलिए फिर तो विजय गोखले का नाम जरूर याद रखेंगे, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, किसने लिखी है? विजय गोखले ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये विच स्टेट हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप द पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। इस क्वेश्चन को करिए, मैं बस एक मिनट में आ रहा हूं। Which state has launched a mobile app, the Pensioner's Life Certificate Verification? बताइए। न्यू तो कोई बात नहीं, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है? गेकार कह रहे हैं तुक्के बहुत सही जा रहे हैं, तुक्के सही जा रहे हैं तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि जनरली आपका निगेटिव तो नहीं रखते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। विच स्टेट हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप द पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन? करेक्ट आंसर इज मेघालय, ठीक है? पेंशनर्स के लिए बेसिकली एक ऐप है ताकि उनके सर्टिफिकेट आराम से वेरीफाई कर सके, तो करेक्ट आंसर इज मेघालय। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी? ऑथर ऑफ द बुक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी किसने लिखी है? इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर इज इम्तियाज अनीस। इम्तियाज अनीस की बुक है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, ठीक है? इम्तियाज अनीस इंडिया के एक फेमस एक्यूस्ट्रियन रहे हैं, ओलंपिक्स में भी जा चुके हैं, अराउंड 2000 के करीब गए थे। एक्यूस्ट्रियन कौन होते हैं? घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग वाले जो स्पोर्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्यूस्ट्रियन। तो इंडियन एक्यूस्ट्रियन इम्तियाज अनीस की किताब है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 फ्रॉम इंडिया? इंडिया से किसने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज जीता है? करेक्ट आंसर बताइए। अरे भाई, जिनको नहीं आता उन्हीं के लिए तो सेशन है। अब आप ऐसा क्यों सोच रहे मुझे कुछ नहीं आता? आप ऐसा सोचिए ना, आपको कितना कुछ आ गया इस क्लास के पास। पैसिमिस्ट नहीं होना, ऑप्टिमिस्ट होना, सीख के भी तो जा रहे हैं। इसको करिए बस। Which of the following has won the UNDP Equator Prize 2020 from India? बताइए। स्नेहा कुंजा ट्रस्ट, किसने जीता? स्नेहा कुंजा ट्रस्ट। बेसिकली UNDP Equator Prize क्या? एक Equator इनिशिएटिव है
इक्वेटर इनिशिएटिव अंडर यूएनडीपी। इनका काम क्या रहता है? इनका काम ये रहता है कि ऐसे मेथड्स यूज करके जिससे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे मेथड्स यूज करके पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है ऐसे मेथड्स यूज करके जिससे एनवायरमेंट को, बायोडायवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचे। तो इसी में इंडिया की तरफ से अवार्ड किसने जीता है? स्नेहा गुज्जर ट्रस्ट ने जीता है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर बताइए, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर बताइए। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से। डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कहीं अमेरिका कहीं नहीं जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर का इसका न्यूयॉर्क, ठीक है। UNDP का हेडक्वार्टर इज USA। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज रिसेंटली अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन विच कंट्री। एस जयशंकर ने गांधी जी का स्टैच्यू अभी अनवील करा है, मतलब उद्घाटन किया है, किस कंट्री में? जॉर्जिया, स्वीडन, लग्जमबर्ग या डेनमार्क? भैया करेंट अफेयर्स कभी भी कम नहीं होता, करेंट अफेयर्स कभी भी मतलब ज्यादा नहीं होता है, वो तो आप जितना पढ़ लें उतना कम है। हाँ तो क्या था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या पूछ रहा है, किस कंट्री में स्टैच्यू को अनवील किया है? जॉर्जिया, स्वीडन, लग्जमबर्ग, डेनमार्क। जॉर्जिया की कैपिटल भी बता दीजिए। करेक्ट आंसर इज जॉर्जिया। जॉर्जिया याद है किधर लगता है? अच्छा ये बताइए, जॉर्जिया किससे बॉर्डर शेयर करता है? ब्लैक सी से या कैस्पियन सी से? याद लग जाएगा, याद आइडिया लग जाएगा कितना याद है। जॉर्जिया किससे बॉर्डर शेयर करेगा, ब्लैक सी से या कैस्पियन सी से? बहुत बढ़िया, तिब्लिसी इसकी कैपिटल है जॉर्जिया की, तिब्लिसी ऐसा कुछ नाम है, जॉर्जिया की कैपिटल है। मैं पूछ रहा हूं जॉर्जिया किससे बॉर्डर शेयर करता है, कैस्पियन सी से या ब्लैक सी से? राजू मॉर्गन कह रहे हैं ब्लैक सी। और लोग बताइए कैस्पियन सी। चलिए जो भी कैस्पियन सी या ब्लैक सी कर रहे हैं उनको मैं ले चलता हूं मैप की तरफ, ठीक है, एक मैप दिखाता हूं। मैप चलना है, मैप कहां करना है, मैप मैप किया एशिया। हाँ जी, जॉर्जिया की लोकेशन देखिए, यह है जॉर्जिया, ठीक है, यह है जॉर्जिया और यह है कैस्पियन सी, ठीक है, यह है कैस्पियन सी, यह है ब्लैक सी। अब आप बताइए, बताइए कैस्पियन सी है ब्लैक सी किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो आंसर लगेगा ब्लैक सी, ठीक है। जॉर्जिया याद रखना किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ब्लैक सी से शेयर कर रहा है। कभी पूछ ले ऐसा कंट्री बताओ जिसके नॉर्थ में ब्लैक सी हो और साउथ में मेडिटेरेनियन सी हो,
टर्की के ऊपर जाएंगे तो ब्लैक सी है, नीचे आएंगे तो क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। या कभी पूछे मेडिटेरेनियन सी में कोई आइलैंड का नाम जानते हो, साइप्रस है जो कहां पर है, मेडिटेरेनियन सी में। तो थोड़ा सा कंफ्यूज कम होना है, ब्लैक सी किधर जाके खुल रहा है, कैस्पियन सी किधर जाके खुल रहा है, इसको थोड़ा सा और फरमाइए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड मैप में। चलिए वापस आते हैं जहां से पढ़ रहे थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक सी, जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरडीओ हैज डेवलप्ड विच हाई स्ट्रेंथ अलॉय ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल फॉर एप्लीकेशन इन एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फॉर्जिंग, बताइए। अभी एक हाई स्ट्रेंथ एलॉय डेवलप किया है डीआरडीओ ने, जिसको हम एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज करेंगे, आपको उस हाई स्ट्रेंथ एलॉय का नाम बताना है। नो आइडिया, अगर आइडिया नहीं तो आइडिया मिलेगा, परेशान नहीं होना है। हाँ जी, बी पे तुक्का लगेगा, बहुत बढ़िया, तुक्का सही है, करेक्ट आंसर इज टाइटेनियम अलॉय, ठीक है। डीआरडीओ ने हाई स्ट्रेंथ अलॉय डेवलप किया जिसका नाम किया टाइटेनियम। अच्छा, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं? टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर आया ना, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर लिखिए, नहीं पता हो तो ढूंढ के लिखिए। नो आइडिया, कोई बात नहीं, वी विल गिव यू एन आइडिया। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर इज 22। देखिए, अगर नहीं आ रहे सवाल तो उससे टेंशन नहीं लेना कि मेरे को नहीं आता है, खुश होना कि अब मेरे को आता है। अरे भाई, सीखने के लिए तो आते क्लास, अगर सीखा हुआ इंसान क्लास जाएगा तो फायदा क्या, फिर तो टाइम वेस्ट है। तो क्लास आने का पर्पज ही यही है कि आप सीखने आए हैं, तो जब सीखने आए हैं तो सीखने के बाद खुश हुई है, ना कि ये दुखी हुई है कि मेरे को कुछ नहीं आता है, ठीक है। 22 होता है एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020? वैसे 2020 में होने थे बट वो शिफ्ट हो गए 2021 में, तो उसका मोटो अभी नया मोटो बनाया क्या था, व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2020? करेक्ट आंसर इज शेयर द स्प्रिट, शेयर द स्प्रिट, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, करेक्ट आंसर इज शेयर द स्प्रिट। नहीं, ये गलत ऑप्शन है, शेयर द स्प्रिट नहीं होगा, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ठीक है, को चेंज कर लीजिए। हाँ, ए नहीं होगा, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर बी होगा।
कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। ठीक है, फास्टर हायर स्ट्रांगर टुगेदर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद ए साउंड एक्यूटास? इस किताब का ऑथर कौन है? बैंक विद ए साउंड एक्यूटास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? थैंक यू वेबा। हाँ, बी कर दिया आंसर। अब बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद ए साउंड एक्यूटास? टीकी गरियाली, अजीत बसंत, अर्याका अखौरी, चांदनी सिंह, बताइए। हाँ, टीके गरियाली सही बात है, करेक्ट आंसर इज सी के गरियाली। ठीक है, सी के गरियाली, ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद अ साउंड एक्यूटास, पढ़िएगा किताब, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आकाश एनजी मिसाइल, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द मिसाइल? अभी रिसेंटली आकाश मिसाइल जो है हमारे पास, सरफेस टू एयर मिसाइल, मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स है आकाश मिसाइल्स। ठीक है, तो उनकी एक फर्दर अपग्रेडेशन हुई है, तो उनको कह रहे हैं आकाश एनजी मिसाइल। एनजी बोले तो न्यू जनरेशन, एनजी बोले तो न्यू जनरेशन। तो आकाश एनजी मिसाइल जो अपनी बन रही है, इसके स्ट्राइक रेंज पूछ रहा है, तरह के सवाल आते रहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर बताइए। ऑलराइट, 90 किलोमीटर बोल रहे हैं, और लोग बताइए। बेवाले राम डॉन डॉन कह रहे हैं सी, 90 किलोमीटर, पक्का 90 किलोमीटर चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से वैसे कम होनी चाहिए। हाँ जी, 90, करेक्ट आंसर बताने टाइम, करेक्ट आंसर इज 60 किलोमीटर। ठीक है, ये रेंज है आपका 60 किलोमीटर। एक मिनट बस, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल इनकी रेंज कितनी है आपकी? 60 किलोमीटर। बेसिकली देखिए सीन क्या है मिसाइल्स का, तो जितनी भी इंडिया में मिसाइल्स बनती हैं, ठीक है, इंडिया में जितनी भी मिसाइल्स बनती हैं, दे आर फॉर्म्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया में जितना भी मिसाइल प्रोग्राम चलता है वो किसके अंडर चलता है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको ब्रेन चाइल्ड माना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, इसीलिए उनको मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज की स्टार्ट करा था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो आईजीएमडीपी के अंडर हमने कई तरह की मिसाइल्स बनाई, आप कई बार नाम सुनते होंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, तो इसलिए हमने मेंशन कर दिया है। पृथ्वी कौन सी मिसाइल होती है? ये शॉर्ट रेंज वाली होती है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी है। फिर उससे थोड़ी रेंज बढ़ा देंगे सरफेस टू सरफेस में, इंटरमीडिएट रेंज, तो उसका नाम क्या है? अग्नि। ठीक है, पृथ्वी अगर नाम है, पृथ्वी मतलब अर्थ, अर्थ मतलब सरफेस,
तो ये सरफेस से चलेगी और सरफेस पे ही स्ट्राइक करेगी, तो सरफेस टू सरफेस पे कौन सी हो गई, पृथ्वी हो गई। इसी पृथ्वी की थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि। अग्नि भी तो सरफेस पे रहती है, ऐसा कभी देखा आसमान में आग लग गई, ये भी तो सरफेस पे रहती है, तो अग्नि भी क्या हो गई, सरफेस टू सरफेस, बट ये क्या है, इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है। फिर अब आ जाती है सरफेस टू एयर की बात, तो सरफेस टू एयर में दो कैटेगरीज है, एक शॉर्ट रेंज एक मीडियम रेंज। तो सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज का नाम क्या है, त्रिशूल। त्रिशूल देखा है, अब त्रिशूल मारोगे तो कितनी दूर तक जाएगा, थोड़ा ही दूर तक जाएगा। तो शॉर्ट रेंज में सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है, त्रिशूल, और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम क्या है, आकाश। तो जो हम आकाश एनजी पढ़ रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब हम एंटी टैंक मिसाइल्स भी बनाने लगे, एंटी टैंक मिसाइल जैसे कि नाग। नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये पांच चीजें क्लियर कर लीजिए कि कभी भी आपको दिखे अग्नि का परीक्षण हो रहा है तो अग्नि याद आ जाना चाहिए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज। कभी दे दे पृथ्वी का टेस्ट चल रहा है तो पृथ्वी क्या है, ये शॉर्ट रेंज है सरफेस टू सरफेस। कभी पूछ ले त्रिशूल क्या है, सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज। आकाश क्या है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है रिगार्डिंग द मिसाइल्स। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक मिसाइल्स है हमारे पास, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। ऑलराइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज हैंडेड ओवर टू इंडिया अ कमर्शियल ऑफर टू डिलीवर 21 MiG-29 फाइटर्स। देखिए MiG-29 से रिलेटेड न्यूज है तो आपको समझ जाएगी इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पटना। MiG-29 फाइटर्स कहां से उठाए हैं, पाइथन इंडिया की नहीं है, वो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। ये उन मिसाइल्स के नाम थे जो बन रही हैं अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP के अंडर बनने वाली मिसाइल्स का नाम क्या है, पृथ्वी, आकाश और अग्नि, नाग। कोई पटना याद रखना है, ठीक है, पटना, त्रिशूल वगैरह। ऑल राइट, इसका तो भाई रशिया ही होगा, रशिया से उठाया MiG-29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच हैज बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू बिगिन लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट। एक्चुअली काफी डिमांड चल रही थी खासतौर से पेंडेमिक में कि कोर्ट्स क्या करें, अपनी प्रोसीडिंग्स को लाइव करें, लाइव स्ट्रीमिंग करें। तो इसकी शुरुआत कर दी है एक हाई कोर्ट ने, तो कौन सी हाई कोर्ट है उसका नाम बताना है आपको। Which has become the first high court in India to begin live streaming of court? बताइए। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो गया ये, गुजरात हाई कोर्ट। अच्छा, इंडिया में ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सी है, इंडिया की ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। देखें इतिहास कितना याद है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सी इंडिया की, बहुत बढ़िया, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, रिट्स इशू करने की पावर, रिट्स इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास तो होती है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास किस आर्टिकल के अंडर होती है। फाइव रिट्स इश्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के तो पास होती है अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट के पास किस आर्टिकल के अंडर होती है। बहुत बढ़िया, हाई कोर्ट के पास होती है अंडर आर्टिकल 226।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइन अ लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू डेवलप ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। जो हमारे हाईवे हैं उनकी ग्रीनरी हम बढ़ाने पे लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं सोलर पैनल्स वगैरह भी लगा दिए जाए रोड वगैरह पे, ताकि अपनी रिन्यूएबल एनर्जी भी बनती रहे। तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने किस बैंक से लोन लिया है? वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एआईआईबी या ईसीबी? करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, करेक्ट आंसर बढ़ाइए। अगर स्पीड चाहिए तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, उसमें स्पीड बढ़ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड अ लोन, बी ऑप्शन। एडीबी, एडीबी क्यों लगा? ये करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अभी हम डिस्कस करके हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यूएसए में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इंक्लूड अपग्रेडेशन ऑफ अबाउट 780 किलोमीटर लेंथ ऑफ वेरियस नेशनल हाईवे। कौन कौन से स्टेट से पास करते हुए? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, हिमाचल, यूपी और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट से जो हाईवे पास होते हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा अंडर दिस प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स। लोन कहां से उठाया अपन ने? लोन उठाया वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनएसई फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द नीति आयोग एंड यूनिसेफ हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम इन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन COVID-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया? बताइए। बताइए जी, एनएसी फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द नीति आयोग एंड यूनिसेफ हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन COVID-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज कवच। कवच नाम बदल बदल के लिख देते हैं। करेक्ट आंसर CAVACH। करेक्ट आंसर इज कवच। देखते हैं कैसे। एनएसई फाउंडेशन क्या है? ये सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में जो है उसकी सब्सिडरी है एनएसई। तो एनएसई बेसिकली काम किसके साथ कर रहा है? नीति आयोग के साथ और यूनिसेफ के साथ। ठीक है, नीति आयोग और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें ये टारगेट कर रहे हैं कि COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए रिगार्डिंग हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, लोगों को बताना कि भाई COVID-19 की वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। द प्रोग्राम रिमोट एरियाज में चलेगा, जैसे कि नंदरबार, उस्मानाबाद महाराष्ट्र में, बहुत ही आपके ये रिमोट एरियाज है, करौली राजस्थान, रामनाथपुरम इन तमिलनाडु, फिर इन नागालैंड। तो इन इलाकों में इन प्रोग्राम्स को बूस्ट किया जाएगा। कवच की फुल फॉर्म COVID-19 एंड वैक्सीनेशन असिस्टेंस कैंपेन फॉर हेल्थ। चांसेस का मैं इसकी इस तरह की फुल फॉर्म पूछी जाए तो बट एक बार पढ़ लीजिए, COVID-19 एंड वैक्सीनेशन असिस्टेंस कैंपेन फॉर हेल्थ। इसमें क्या होता है, 30 से ऊपर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, उनको यूनाइट करेंगे ताकि जो जितनी भी हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अभी कितनी सिलेक्ट कर ली, 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इनमें हम COVID-19 का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग कर सके।
तो बेसिकली कवच किससे डील करता है, COVID-19 वैक्सीनेशन को प्रमोट करने से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी, इस किताब के ऑथर कौन है? Who is the author of the book The India Story? S.S. Mundra, Viral Acharya, R. Gandhi, Bimal Jalan, बताइए। करेक्ट आंसर इज बिमल जालान। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? बिमल जालान। बिमल जालान कमेटी भी है इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको पढ़िएगा कभी। ये फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, गवर्नर हैं, तो इकोनॉमी की बात करेंगे। तो द इंडियन स्टोरी बेसिकली डील करता है इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक हिस्ट्री कि अभी तक 1947 से अभी तक हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है और आगे हम क्या क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं आप इनकी किताब द इंडियन स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू वॉन द सिल्वर मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स, सबको पता है इन विच कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी थी मीराबाई चानू की? किस कैटेगरी में जीता था उन्होंने, ये पूछ रहा है, कंफर्म करके बताइएगा। ये तो सबको पता है सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, किस कैटेगरी में? तो कैटेगरी की उनकी 49 kg, ठीक है याद रखिएगा, 49 kg कैटेगरी में मीराबाई चानू हैज वॉन द सिल्वर मेडल एंड ब्रिंग ब्रॉट अ प्राइड फॉर इंडिया। चलिए तो यहां से आज का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर से भाई जो अपने माउंटेन पासेस हमने छोड़े थे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सारे माउंटेन पासेस कंप्लीट करते हैं ताकि उसके बाद अगली क्लास में और कुछ पढ़ें। जैसे आज तो जुलाई का करेंट अफेयर्स अपन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगस्त का स्टार्ट करेंगे। कई लोग परेशान हो रहे थे अगस्त का नहीं मिल रहा, अगस्त का नहीं मिल रहा, तब हम अगस्त का करेंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, तीन चीजें क्या है, थ्योरी अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से करिए, प्लस रिवीजन अच्छे से करिए। ये तीन चीजों पे ध्यान दे लीजिए, ये मूल मंत्र है किसी भी कॉम्पिटिशन का, खास तौर से इसका, थ्योरी, क्वेश्चन, रिवीजन, इन पे ध्यान दीजिए कि आप इन तीनों पे कमांड बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलेगी इन सारी चीजों में अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो आने वाले दिनों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आगे क्लास खत्म करते हैं, गुड नाइट। Thank you.